बाबा बोले नए साल ते सब ने इतनी खुशी दिए कि वे पिछले साल का सारा गम भूल जा। बीत गया जो साल भूल जाए, इस नए साल को गले लगाएं। करते हैं दुआ हम रब से सर झुका के, इस साल के सारे सपने पूरे हों आपके। हेलो एवरीवन, इफ़ यू आर न्यू टू दिस वीडियो देन आई एम हिमांशी एंड थैंक यू फॉर क्लिकिंग द वीडियो, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। नया सवेरा एक नई किरण के साथ, नया दिन एक प्यारी मुस्कान के साथ, आपको ये नया साल मुबारक हो मेरी ढेर सारी दुआओं के साथ। विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। 2024 का फर्स्ट डे 1 जनवरी, देखते हैं हमारे लिए क्या लेके आई है, हम क्या कुछ पाते हैं, क्या कुछ खोते हैं, कितना हंसते हैं, कितना रोते हैं, सभी देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। तो सुबह उठ जाते हैं एंड दिमाग में यही सब चल रहा होता है, 2024 आ चुका है, 2023 जा चुका है। तो उम्मीद है कि इस साल को आप सभी और साथ में मैं अपने सपनों का साल बनाएंगे, जिस साल हम सब कुछ पाएंगे, सब कुछ हासिल करेंगे, अपने अपनों को खुश करेंगे, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि नए साल के दिन जल्दी उठना चाहिए, नहाना धोना करना चाहिए, अगर लेट तक सोओगे तो पूरे साल सोते ही रह जाओगे। तो इसी बात को याद करते हुए मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और अपने दिन को बिल्कुल प्रोडक्टिव और अच्छा बनाने के लिए अपना डेली रूटीन स्टार्ट कर देती हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ी देर के लिए प्रीवियस वकैब रिवाइज करती हूँ एंड उसके बाद आ जाती हूँ बाहर। बाहर का व्यू कुछ अलग था आज, या मन में था कि 2024 आ गया, 2023 गया, सिर्फ इसी चीज़ के लिए आज लगा आज दिन अलग है। लेकिन ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन पढ़ना था मुझे क्योंकि आज था फर्स्ट डे। इस दिन की शुरुआत पूरे साल की शुरुआत पर निर्भर करती थी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया इस दिन जो करते हैं पूरे साल वही होता है। तो इसी उम्मीद में मैं कंबल लेके आराम से पढ़ने बैठ जाती हूँ। फिर तभी थोड़ी देर पढ़ने के बाद नीचे मम्मी की आवाज़ आती है, मम्मी बुलाती है मेरे को और कहते हैं यहाँ पे बैठ जा थोड़ी देर के लिए, और तू तब की पढ़ रही है, मतलब मैंने लाइट जलाई थी तब मम्मी को जाग आ गई थी। तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ पे बैठ जाती हूँ और मम्मी बोली कि सुबह की पढ़ रही है थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठ जा। फिर उसके बाद मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय। आजकल की जनरेशन के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि उनकी अपने पेरेंट्स के साथ बनती नहीं है, लेकिन मेरा इससे बिल्कुल अपोजिट है। पेरेंट्स तो वो सब हैं जिनके बिना तो हम जीने का सोच भी नहीं सकते, लेकिन बच्चे ऐसे होते हैं कि उनसे सही से बात नहीं करते, तेज आवाज़ में बोलते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा गलत है। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। कोशिश करें कि ज़िंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से हर किसी के साथ अच्छे से गुजारें, अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ बिल्कुल प्यार से अच्छे से गुजारें। आज हमारी ज़िंदगी के नए साल का फर्स्ट डे था, इसलिए मैं वो सभी काम करना चाहती थी जिससे मुझे खुशी मिले। आज मेरा फास्ट है, आज सोमवार है, और आज इसलिए मैंने चाय पीने के बाद मैं जो अपनी गली के कुत्ते हैं उनको रोटियां खिलाने के लिए चली गई थी, क्योंकि आज इतनी ठंड थी, मैं खुद कंबल में बैठ के पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि वो बेचारे कैसे जी रहे होंगे, और आज नया साल था ही तो मैंने सोचा उनकी ज़िंदगी में भी थोड़े से अच्छे रंग, जितना हम कर सकते हैं उतना तो करें। तो आप भी अगर आपके आसपास जो भी जिनको भी हमारी ज़रूरत है और हम थोड़ी सी भी किसी की हेल्प कर सकते हैं तो वो हेल्प करें आप भी। और वो कहते हैं ना कि आप जिसकी जितनी हेल्प करते हैं या फिर जिसका जितना अपमान करते हैं वो आपको ब्याज समेत मिलता है फ्यूचर में कभी ना कभी, क्योंकि भगवान ऐसे ही किसी को नहीं छोड़ता। जो गलत काम करता है उसको भी पनिशमेंट देता है और जो अच्छे काम करता है उसको भी बहुत सारी खुशियाँ देता है। तो यही सब चीज़ें आप अपने नए साल में याद रखना और अच्छे से बिल्कुल सभी के साथ बनाना हैप्पी न्यू ईयर। 2023 के फर्स्ट डे 1 जनवरी 2023 को हमने हमारे दादा दादी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी पूरी फैमिली।
साथ में, चाचा ताऊ सभी और दादा दादी साथ में, क्योंकि दादा दादी के एनिवर्सरी का एग्जैक्ट पता नहीं था और सबने प्लानिंग की कि 2023 को अच्छा बनाने के लिए कुछ अच्छी शुरुआत करते हैं। तो हमने ये सब किया था क्योंकि अगर दादा दादी को अपने पेरेंट्स को हम खुश करते तो इससे ज़्यादा तो क्या ही अच्छी बात हो सकती है। तो अब की साल भी हमारा यही प्लान था कि दादा दादी को सरप्राइज करते हैं, लेकिन फिर ऐसे मतलब नहीं जा पाए। तो अब है कल की प्लानिंग, कल दादा दादी के पास जाएंगे, मैं खुद केक बनाऊंगी अपने हाथों से और फिर केक कट करेंगे। दादा दादी कितने खुश हो जाएंगे और इस नए साल की एक अच्छी शुरुआत करेंगे। बाबा बोले, नए साल तक सब ने इतनी खुशी दिए कि वे पिछले साल का सारा गम भूल जा। आज मेरा फास्ट था तो मैंने महादेव जी की पूजा की, तुलसी माँ की पूजा की एंड घर में दीवा जलाया, सभी देवताओं की पूजा की। और फिर उसके बाद मम्मी ने बोला थोड़ा बहुत खा पी ले, तो फिर मैंने एक संतरा उठा लिया और ये संतरा सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और फिर इसको खाने के बाद, अपने रूम की सभी खिड़कियाँ खोलने के बाद, कंबल लेके आराम से मैं फिर से बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। अब देखते हैं मैं कितना कुछ पढ़ पाती हूँ। और ये सुबह 11 बजे का टाइम है और अभी भी धूप नहीं आई है। आपको थोड़ी बहुत रोशनी दिख रही है लेकिन बिल्कुल भी धूप नहीं है। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है और आज तो हवाएं भी चल रही हैं, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जो गौ माता हैं बाहर, जो कुत्ते हैं, जो और भी जीव है, वो बेचारे कैसे रह रहे होते। और मतलब कुत्ते तो ऐसे हैं, कहीं ना कहीं तो ऐसे वो जगह बना लेंगे मिट्टी में या ऐसे। जो गौ माता हैं और जो बैल हैं वो कैसे रह रहे होंगे बेचारे। हम किसी के लिए कितना भी कुछ कर ले लेकिन सबके लिए नहीं कर सकते। अगर सभी इसी प्रकार सचेत रहें, अपने आसपास सबका अच्छे से ध्यान रखें, तो जो गौ माता है सबका कितना भला हो। वो भी ऐसे कहते हैं कि गौ माता का दान किया हुआ कहीं नहीं जाता। तो अगर आप अपने आसपास कुछ ऐसा कर सकते तो आप ज़रूर करना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे और मैं भी करूँगी। एंड आज मैं सुबह सुबह मरते मरते बची, जो कि आपको लास्ट क्लिप मैंने ऐड की है वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अब मैं इस श्लोक का करती हूँ एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हर हर महादेव।